हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं तुलसीपुर डिजाइन पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऊपर का डिजाइन कैसे बनाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नीचे में चारों तरफ घोला मार के प्लास्टर करेंगे। चारों तरफ प्लास्टर हो जाने के बाद कोने के धार को बनाएंगे। धार बन जाने के बाद जो 4 इंच का ईंट निकाले थे उसमें घोला मार के प्लास्टर करके उसका धार को बनाएंगे। धार बनाने के लिए नीचे मसाला मारने के बाद पट्टी को रख के मसाला डाल के उसे अच्छे से रूसे में दबा के बना लेंगे। चारों तरफ का धार बन जाने के बाद नीचे के हिस्से में मसाला मारेंगे। उसके बाद पट्टी को ऊपर में रख के नीचे अच्छे से मसाला मार के राउंड रूसा चलाएंगे। उसके बाद पट्टी को दोनों हाथों से पकड़ के नीचे से दबाते हुए ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। अगर रब दिखता है तो फिर उसमें फिर से मसाला चटाकर फिर 2-3 बार पट्टी को ऐसे ही चढ़ाते हुए चलाएंगे। चारों तरफ हो जाने के बाद कोने कोने का भी हम बना लेंगे। उसके बाद फुला के दोनों तरफ के धार को फंटी रखकर बना लेंगे। और ऊपर के धार को राउंडिंग फंटी रखकर राउंड बना लेंगे। नीचे के धार को भी रूसा रख कर बना लेंगे। इसके बाद एक पाइप का टुकड़ा लेकर फूला के दोनों साइड को खींचेंगे।
और ऊपर तरफ को करनी से खींच लेंगे, जिससे कि मन फूला का डिजाइन उभरने लगेगा। उसके बाद पाइप के टुकड़े में मसाला भरकर जो सामने 4 इंच ईटा निकाले थे उसमें चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले ऐसे थोड़ा सीमेंट का घोल लगा दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि ये और भी मजबूत हो जाए। ये ओम मैंने वेल्डिंग दुकान में लिया है दोस्तों, ये आपको बड़े वाले वेल्डिंग दुकान में मिल जाएगा। इसको कैसे लगाते हैं या मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ये स्वास्तिक का साँचा भी मैंने लिया है और कुछ और डिज़ाइन लिया है जो आपको कुछ दिन बाद वीडियो डाल के दिखा दूंगा, और इसको कैसे लगाना है वो भी अच्छे से बता दूंगा। अब नीचे का डिज़ाइन करने के लिए पहले पट्टी को धार के बराबर रखेंगे, फिर उसमें मसाला डालेंगे। उसके बाद पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर दबाते हुए ऊपर की ओर घुमाएंगे। रूसा मारकर इसके धार को अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद पट्टी को ऊपर में रखकर नीचे की तरफ को फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद फिर पट्टी को ऊपर में रखकर उसके अंदर मसाला डालेंगे। जो गाबड़ी आता है उसमें मसाला चटाकर 2-3 बार इसे फिर से पट्टी को पकड़कर ऐसे ऊपर चढ़ाते हुए दबाना पड़ता है। अब हमारा नीचे का भी डिजाइन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसे फिनिशिंग करने के लिए हम इसके चारों तरफ
सीमेंट छीटेंगे। उसके बाद पतला घोला लेकर ब्रश से चढ़ाएंगे। उसके बाद इसे करनी से अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। और जो राउंड है उसे फिनिशिंग करने के लिए एक झिल्ली को पानी में भिगोकर दोनों हाथ में पकड़ के ऐसे दबाते हुए खींचेंगे। तो हमारा 2 से 4 डिजाइन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे ही 2 से 4 डिजाइन का वीडियो भेजता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।